हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस अगर आप भी जो इस तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो गाइस आपको करना कुछ नहीं, बस आपको जो है इस वीडियो को एंड तक देखते रहना है। और गाइस अगर आपको एंड तक नहीं देखते हैं इस वीडियो को तो आपको जो बिल्कुल वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो एंड तक देखते रहना है। और गाइस अगर आपके पास अगर ये एप्लीकेशन नहीं है काइनमास्टर, तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। और गाइस डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही, दिक्कत रही है, तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करें। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, मैंने ऑलरेडी जो है अपना काइनमास्टर ओपन कर रखा, और देन ओपन करने के बाद यहाँ पे करना के यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिख रहा है इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, और सिंपल से क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें करना है ये सेकंड प्रोजेक्ट दिख रहा है 9x16, इस पर क्लिक करके इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ से सिलेक्ट कर लेने के बाद करना कि यहाँ से गाइस कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद करेंगे मीडिया पर क्लिक, और मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपको आ जाना यहाँ से सेटिंग वाले ऑप्शन पर, और जब सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेगा ऑडियो वीडियो और एडिटिंग का। तो यहाँ से हमें करना क्या है, एडिटिंग पर क्लिक करना है, और ये जो प्रोजेक्ट ये दिख रहा है ये इसे हमें कर लेना है पूरा, ये कर लेना है 1.5 कर लेना है ऐसे। उसके बाद ये जो दिख रहा है गाइस यहाँ से हमें कर लेना है पूरा फुल स्क्रीन कर लेना है सेकंड वाला, उसके बाद यहाँ से यस करेंगे। अब यहाँ तो हो गया, अब यहाँ से करना क्या है, जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको जो है कुछ फोटो सिलेक्ट कर लेना होगा, 5-6 फोटो यहाँ से आपको लगेगा। तो यहाँ से आप जितना फोटो पे बनाना चाहते हो उतना फोटो यहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं ना। तो यहाँ से चलिए मैं कुछ फोटो जो आपको सिलेक्ट करके बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो ऐसे यहाँ से कुछ फोटो मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो देन यहाँ से मैंने ये फोटो सिलेक्ट किया, उसके बाद करेंगे देन यहाँ से यस, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फोटो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे करना है कि गाइस इस पर क्लिक करना है, इसके साइज़ को कुछ इस तरीके से छोटा कर लेना है, देन इसको भी क्लिक करेंगे, इसे हल्का सा छोटा करना चाहते हो तो छोटा भी कर सकते हैं ऐसे। और देन यहाँ तक कर लेने के बाद करना है कि फोटो के साइज़ को ऐसे छोटा, उसके बाद यहाँ से कर लेना है गाइस शेयर पर क्लिक करेंगे, और देन इसे यहाँ से कर लेना है गाइस एक्सपोर्ट, ये 720 सिलेक्ट करेंगे और ये 30 रहने देंगे, उसके बाद नीचे से एक्सपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद फिर करना है क्या है, फिर प्लस पे क्लिक करना है, फिर वही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है 9x16 के, और सेलेक्ट कर लेने के बाद करना क्या है यहाँ से गाइस मीडिया पे क्लिक करना है, और मीडिया पे जब क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और कोई सा भी जो बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल चलिए मैं यहाँ से जो है एक ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसके साइज़ को कर लेना गाइस कुछ इस तरीके से बड़ा, देन बड़ा हो गया, बड़ा करने के बाद देन फर्स्ट में खिसकाना है, करना है लेयर पर क्लिक, फिर मीडिया पे, और मीडिया पर क्लिक करने के बाद करना है कि यहाँ से गाइस हमें जो एक वीडियो ऐड कर लेना जो कि ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देन यहाँ से मैंने इसे सेलेक्ट किया, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से वीडियो। अब करना है इस पर क्लिक, और देन कैंची का बगल का जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और इसकी साइज को कर लेंगे पूरा फुल स्क्रीन। उसके बाद देन यहाँ से यस करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, और ये देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर हमें आ जाना है कहाँ तक, ये 3.7 पे आना है, और देन इस पर क्लिक करना है, कैंची पर क्लिक करना है, और इसे कर लेना है स्प्लिट एट प्ले हेड के, इसे काट लेना है। काटने के बाद देन इस पर क्लिक करेंगे और आएंगे गाइज यहाँ से नीचे क्रोमा की वाले ऑप्शन पर, और देन आने के बाद इसे कर लेना गाइज इनेबल, ये देखिए इनेबल हो गया। उसके बाद कलर को आप यहाँ से कुछ इस तरीके से जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे यहाँ पे कलर को एडजस्ट करके देन यहाँ से यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आना है गाइज, फिर आना है यहाँ पे 3.7 पे, और देन आने के बाद करना है लेयर पे क्लिक, फिर मीडिया पे, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद करना है कि यहाँ से गाइज जो काइनमास्टर से वीडियो एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये मैंने वीडियो एक्सपोर्ट किया था, इसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देन इस पर क्लिक करेंगे, और कैंची के बगल वाला आइकन पर क्लिक करके इसके भी साइज को पूरा फुल स्क्रीन करेंगे। उसके बाद देन यहाँ से यस करेंगे। अब यहाँ तो हो गया, अब करना है इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो पर क्लिक, 3 डॉट पर क्लिक करके इसे कर लेंगे ब्रिंग टू फ्रंट। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ से वीडियो ऐसे यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे करना है कि फर्स्ट में घिसकाना है, और घिसकाने के बाद करना है गाइज लेयर पे क्लिक, मीडिया पे, और मीडिया पे जब क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से हमें एक वीडियो ऐड कर लेना जो कि कुछ इस तरीके वीडियो है, इसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो मैं यहाँ से इस वीडियो को ऐड कर लेना जो कि ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट वीडियो, देन यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब करना है इस पर क्लिक, और यहाँ से कैंची के बगल का जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और इसके साइज कर लेंगे पूरा फुल स्क्रीन। उसके बाद बैक आना है, बैक आने के बाद आएंगे नीचे ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर, और देन ये कर लेंगे स्क्रीन, उसके बाद देन यहाँ से यस कर देंगे। अब देख सकते हो कुछ इस तरीके से वीडियो यहाँ से आपको बन के तैयार हुआ है। अब करना है कि यहाँ पर आ जाना है फिर आपको 3.7 पे, और आने के बाद देन लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे, और मीडिया पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से हमें एक वीडियो ऐड कर लेना जो कि टेम्पलेट वीडियो है, जो कि ये ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट वीडियो, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो देन मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। अब करना है गाइज कैंची के बगल का जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक, और यहाँ से इसके साइज को कर लेंगे पूरा फुल स्क्रीन। उसके बाद बैक आना है, और फिर आएंगे नीचे घिसकाना है, और नीचे घिसकाने के बाद करना है ब्लेंडिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है ब्लेंडिंग प्रीमियम, इस पर क्लिक करेंगे और इसे भी कर लेंगे स्क्रीन।
उसके बाद बैक आना है, फिर आ जाएंगे ऊपर कलर एडजस्टमेंट है और इसके कलर को कुछ इस तरीके से हमें एडजस्ट करना है, तो ऐसे यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से यस कर देंगे। अब देख सकते हो कुछ इस तरीके से वीडियो यहाँ से आपका बन के तैयार हो चुका है। अब चलिए मैं आपको गाइज इसे एक बार प्ले करके आपको जो है दिखा दे रहा हूँ। अब गाइस यहाँ से ये देखिए, मैंने अभी इसे आपको जो है पूरा प्ले करके नहीं दिखा रहा, नहीं तो गाइस सॉन्ग की वजह से जो है इस वीडियो में जो है कॉपीराइट क्लेम आ सकते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसे सेव करने के लिए करना कि यहाँ से गाइस शेयर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर वीडियो क्वालिटी मिल जाएगा। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 720 और ये जो है 30 रहने देंगे। उसके बाद नीचे जो करना है एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है गाइस, इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो यहाँ से देखिएगा हमारा जो वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।